अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ताज किचन 786 में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले चिकन करी, उसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया, उसे धो के रख लें। 1/2 किलो मैंने ऑनियन कट करके रखे हुए हैं और लहसुन छील लें। इसके लिए हम पहले से इसमें मसाला डाल दें, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा मसाला हम इसमें डालेंगे, थोड़ा हम बनाते समय डालेंगे। अब हमें एक बाउल लेना है, बाउल में ऑयल गरम करना है, तेज पत्ते डाल दें, फिर हम अपने ऑनियन डाल दें, इसको अच्छे से फ्राई करें। देखिए गाइस, हमारे ऑनियन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें जो हमने पेस्ट करके रखा था गार्लिक जिंजर टमाटर का, वो डाल दें और अच्छे से मिक्स करें। अब इसे भी हम अच्छे से फ्राई करें। देखिए गाइस, हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो रहा है एकदम, मसाला एकदम फ्राई हो चुका है। अभी हम इसमें चिकन डाल दें जो कि हमने मसाला लगा के रखा था। अब उसे भी अच्छे से भूनते रहें। अभी इसमें हम और धनिया पाउडर डाल दें 1 टीस्पून भर के, लाल मिर्ची का पाउडर 1 टीस्पून भर के, हल्का सा हल्दी और नमक हल्का सा ऊपर से डाल के अच्छे से मिक्स करें और इसे ऐसे ही भूनते रहें 10 से 15 मिनट के लिए। हम डालें इसमें चिकन मसाला और इसे अच्छे से मिक्स करके भून लें। फिर हम इसमें 1/2 कप भर के पानी डाल दें, जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल सकते हैं आप। ये देसी चिकन करी है, माशाल्लाह बना के देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। इसका फ्लेम स्लो करके इसे ढक के पकाएंगे 10 से 15 मिनट। हमारी चिकन करी बनके एकदम तैयार है, ये देखिए गाइस, इसे सर्व करें और मजे लीजिए खाने के। देखिए गाइस, घर पे आप चिकन करी बहुत अच्छे से टेस्टी नॉर्मल देसी चिकन करी बना सकते हैं घर पर, बहुत ही टेस्टी बनेगी माशाल्लाह। तो आप ज़रूर बना के देखिएगा, आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।